हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेहास किचन। आज हम अपने किचन में टमाटर की चटनी बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत टेस्टी बनती है। ये चटनी बहुत जल्दी बन जाती है, 4 से 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी आपकी चटनी। इस चटनी को आप रोटी के साथ खा सकते हैं, टिफ़िन के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप इसे राइस के साथ खाना चाहें तो भी आप इसे बहुत इंजॉय कर सकते हैं। जैसे दाल चावल आप खाते हैं, ऐसे चटनी और चावल का कॉम्बिनेशन बहुत अमेजिंग आता है। तो चलिए फिर चटनी बनाना शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो कढ़ाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुकर में सरसों का तेल डालेंगे। तो ये चटनी सरसों के तेल में बहुत टेस्टी बनती है। आप रिफाइंड ऑयल अगर खाते हैं तो उसमें बना सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में बहुत अमेजिंग बनती है। तो सरसों का तेल डाल देंगे। 4 से 5 टमाटर की चटनी मैं बना रही हूँ, इसके लिए मैंने 1.5 बड़े चम्मच सरसों के तेल का यूज़ किया है। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे बिल्कुल धुआं निकलने तक। उसके बाद बहुत अच्छी क्वालिटी का हींग डालेंगे, 1/4 चम्मच, थोड़ा सा ज़्यादा उससे, क्योंकि हींग का फ्लेवर इस चटनी में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद 1/2 टीस्पून कलौंजी डालेंगे और 1/2 टीस्पून ही डालेंगे जीरा। जीरे को अच्छे से भूनने के बाद एक प्याज को लंबा लंबा काट के डाल देंगे, तो ये वाली चटनी बहुत बढ़िया बनती है। यहाँ पर 3 से 4 टमाटर को रफली चॉप कर लेंगे, और ये है हरा प्याज जिसको मैंने बारीक बारीक काट दिया है। हरे प्याज का टेस्ट इस चटनी को बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाता है। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर आप देख सकते हैं, तो बस इसी कलर तक इसको भूनना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। और उसके बाद ये टमाटर और जो प्याज हमने काट के लिए हैं वो इसमें डाल देंगे, और साथ में हरी मिर्च भी काट के लिए है मैंने 2। तो सारी चीज़ों को काट के अच्छे से डाल दें इसमें और भून लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो अब हम इसमें डालेंगे रूटीन के मसाले। सबसे पहले 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून धनिया का पाउडर डालेंगे, उसके बाद रेड चिली पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप इसमें हल्का तीखा डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और अच्छे से भून लेंगे इन मसालों को मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो फ्लेम मीडियम रखें यहाँ पर। ये वाली चटनी बहुत टेस्टी बनती है, इसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता, 4 से 5 मिनट में मैक्सिमम ये बनकर तैयार हो जाती है। और यहाँ पर फ्लेम मीडियम रखें और ढककर पका लें इसे 2 से 3 मिनट के लिए। तो चेक कर लेते हैं एक बार, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो चटनी है थोड़ी चिपक रही है या पानी की कमी है तो पानी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन टमाटर में ही इतना सारा पानी होता है कि पानी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं आती। कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप कितनी परफेक्ट है। तो बहुत बढ़िया चटनी बनकर तैयार होती है। इसमें हींग का जो फ्लेवर आता है वो उसको बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाता है। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। सबसे लास्ट में इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये चटनी बनकर तैयार है। आप इसे रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, चावल के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगती है। ऐसा लगता है जैसे आप कोई सब्जी ही चावल के साथ खा रहे हैं, इतनी बढ़िया लगती है वाली चटनी। तैयार है, बहुत टेस्टी चटनी बनी है, इसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। अगर आपको चटनी की वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इजी एंड क्विक रेसिपीज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।